नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम पांडे हूँ और स्वागत करता हूँ आपका खबरी विशेष में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बॉलीवुड की चुलबुली एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस के बारे में। उनका आज जन्मदिवस है और हमारी टीम की तरफ से उनको जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दरअसल इन्होंने अपना नाम बॉलीवुड में काफ़ी ज़्यादा ऊँचाई में बहुत ही कम समय में बना लिया था। साल 2006 में इनको मिस श्रीलंका का खिताब मिला और साल 2009 में इन्होंने पहली बार बॉलीवुड में कदम रखा था। आइए जानते हैं इनके बारे में। हिंदी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस का जन्म कोलंबो, श्रीलंका में 11 अगस्त 1985 को हुआ था। इस समय इनकी वर्तमान आयु 36 वर्ष है। जैकलिन ने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी से मास कम्युनिकेशन में की है। पढ़ाई खत्म करने के बाद वह श्रीलंका में बतौर टीवी रिपोर्टर काम करने लगी। जल्द ही उन्होंने मॉडलिंग शुरू कर दी। साल 2009 में एक मॉडलिंग असाइनमेंट के सिलसिले में वह भारत आईं। यहाँ पहुँचने पर जैकलिन ने निर्देशक सुजाय घोष की फैंटेसी ड्रामा अलादीन के लिए ऑडिशन दिया और सिलेक्ट हो गई। उन्होंने उनकी पहली फिल्म थी। फिल्म में जैकलिन के अपोजिट रितेश देशमुख थे, जबकि अमिताभ बच्चन की भी इसमें अहम भूमिका थी। जैकलिन की पहली हिट फिल्म मर्डर 2 2011 में आई थी। इसके बाद इंडस्ट्री में उन्हें पहचाना जाने लगा। उन्हें 2010 का सर्वश्रेष्ठ नई अभिनेत्री का आईफा और स्टारडस्ट पुरस्कार फिल्म अलादीन के लिए प्रदान किया गया था। अपने स्क्रीन अभिनय करियर के साथ साथ फर्नांडिस ने डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा 2016-17 के 9वें सीजन में जज के रूप में भी काम किया है। विभिन्न ब्रांडों और उत्पादों के लिए एक लोकप्रिय सेलिब्रिटी एंडोर्सर भी हैं। स्टेज शो में भाग ले चुकी हैं और सक्रिय हैं। तो ये थी हमारी छोटी सी प्रस्तुति जैकलिन फर्नांडिस के ऊपर। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी, और अगर ये पसंद आई तो आपको पता है क्या करना है। इस वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी नई प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए खबरी, क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नज़र। नमस्कार।